तो बड़ी एमएनसीज के अंदर गाइस सीएमएस का जैसे यूज होता है, वहां पे ड्रुपल है, वर्डप्रेस है, किस पे है वो पीएचपी पे है। और अगर आप गूगल पे जाते हो ना, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स किस पे मिलेंगे, वर्डप्रेस पे मिलेंगे। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुनेजा। सो आज हम बात करेंगे, आज मैं ऐसे ही आपसे बात करूंगा, और अभी सोच रहा था कि एक वीडियो बनाते हैं। लास्ट ईयर भी बनाया था मैंने और इस ईयर भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा कि पीएचपी मार्केट से आउटडेटेड नहीं है, ठीक है। और मेरी बहुत बार लोगों से आर्गुमेंट होता है इसके बारे में, और लोग कहते हैं पीएचपी तो भाई 6 साल पहले ही चला गया था मार्केट से। ऐसा कैसे चला गया था? अगर चला गया तो फेसबुक बंद करो, विकिपीडिया बंद करो, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर लैंग्वेज का, मैं ये नहीं कहता पीएचपी बहुत टॉप मोस्ट है, नहीं, बट मैं ये कहता हूँ कि हर लैंग्वेज का ना अपना एक स्कोप है और मार्केट उसकी बनी हुई है, वो मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकती। या तो जाओ इन्फॉर्मेशन देखो, कलेक्ट करो, फिर मेरे से बात करो। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि पीएचपी की गाइस अपनी मार्केट है, और अगर आप बात करें 2020 की, तो जी मार्केट से आउटडेटेड नहीं है अभी तो बहुत ज़्यादा। 7.3 वर्जन पीएचपी का लेटेस्ट यार मार्केट में स्टेबल रिलीज है, तो ऐसे कैसे वो आउटडेटेड हो जाएगा मार्केट से, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो जो बंदा है जो काम कर रहा है पीएचपी में, वो कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, कौन से फ्रेमवर्क पे वो काम कर रहा है, कैसे वो और अदर फ्रेमवर्क्स को पढ़ के अपने आप को मार्केट में एक पोजीशन दे पा रहा है, ताकि कोई भी कंपनी अगर किसी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर एक पीएचपी डेवलपर को ढूंढ रही है, तो उसके पास अगर वो स्किल है तो क्यों नहीं पैसे मिलेंगे, पैसा मिलेगा। तो आज के टाइम पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनका अपना एक ट्रेंड है, बट मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर पीएचपी की बात करें तो अच्छा खासा फ्यूचर है पीएचपी का अभी भी मार्केट में। और हम पता नहीं ये लोगों ने बातें बना दें, क्योंकि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नो डाउट उनका अपना एक ट्रेंड है, चल रही है, बट बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है गाइस जो बनी है पीएचपी के। तो बड़ी एमएनसीज के अंदर गाइस सीएमएस का जैसे यूज होता है, वहां पे ड्रुपल है, वर्डप्रेस है, किस पे है वो पीएचपी पे है। और अगर आप गूगल पे जाते हो ना, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स किस पे मिलेंगे, वर्डप्रेस पे मिलेंगे। तो यार अगर वर्डप्रेस इस पे है, पीएचपी पे है ना, तो वो कभी खत्म हो सकता है? आप खुद सोचो, बढ़ी रहा है डे बाय डे। जितने भी लोग होस्टिंग लेते हैं, मैं भी लेता हूं, एक बार जरूर सोचूंगा कि हाँ वर्डप्रेस फटाफट से थीम क्रिएट करके कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं और उस पर गूगल एडसेंस लगा लेते हैं, अर्निंग होगी वहां से। तो ये माइंडसेट लोगों का है। ब्लॉगिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए पीएचपी का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो अपने माइंड से ये चीज निकाल दो। अगर आपको लगता है कि मैं पीएचपी में अपना बेटर करियर बना सकता हूं, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है पीएचपी। आपको देखिए वेब डेवलपमेंट के लिए पीएचपी बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आपको फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, आपको सीएमएस मिलता है, जिन्हें करके आप मार्केट में जाके अपने आप को सेल कर सकते हो। एट द एंड हम क्या है, प्रोडक्ट ही तो है। हम जाएंगे इंटरव्यू देंगे, और अगर हम सामने वाले को आंसर्स कर सकते हैं बेटर वे में जो वो चाहता है, तो हमें क्यों नहीं हायर करेगा। तो गाइज ये चीज अपने माइंड में रखो। और मेरा जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी कर रहे हो ना, चलो ठीक है पीएचपी की बात ना करें, किसी और चीज की बात करें, अगर आप उसमें ही अच्छा नहीं कर रहे तो आप कैसे सेलेक्ट होगे। चलिए आपने एक ऐसी लैंग्वेज ले ली जो टॉप मोस्ट है T20 के अंदर, बट उसमें आप अच्छे नहीं हो तो आप कैसे सेलेक्ट होगे, नहीं होगे ना। तो हर लैंग्वेज का अपना एक स्कोप है, उसे आप अडेप्ट करो कि मुझे कैसे चीजें करनी है। अच्छा ये चीजें हैं, अगर मैं कर लेता हूँ मेरे लिए बेटर चीजें हो जाएंगी। तो ये है, तो कोई अगर जावा का बंदा होगा, उसने कभी पीएचपी करी नहीं है, तो पता क्या कहेगा, अरे खराब है पीएचपी। तो ऐसे बहुत आपको लोग मिलेंगे, अलग अलग बातें करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। जिसको नहीं पता, ओके इट्स फाइन, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। सो गाइस यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पीएचपी 2020 और मैं तो कहता हूँ आने वाले टाइम में भी मार्केट से आउटडेटेड नहीं है। लोग कहते हैं कि पीएचपी को समझना बहुत ईजी है, बहुत ही हल्की लैंग्वेज है। मैं तो ये बोलता हूँ कि पाइथन भी तो ऐसे ही है, उसमें बहुत ही आप जो कोड लिखते हो बहुत ईजी टू वे, आप ईजी कोड है, लाइब्रेरीज इजीली अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है। हमें पहले समझना होगा, बैठ के बात करनी होगी कि हाँ भाई उसका स्कोप क्या है, कैसे मैं यूज़ में ले सकता हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, देखिए कोडेजेंटर का बहुत अपने आप पे ज़्यादा यूज़ है, लेरेवेल है, केक पीएचपी है, सारे फ्रेमवर्क्स का अपना अपना यूज़ है। हमें समझना होगा उसको कि मैं इन्हें करके मार्केट में जाके जॉब ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। तो मेरा जो एडवाइस है, मेरा जो थॉट प्रोसेस गाइज, वो ये है कि इनका पीएचपी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है 2020 के अंदर और आने वाले साल के अंदर भी जो आएंगे। और आपने डिसाइड करना है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। जो लोग काम कर रहे हैं पीएचपी में, अच्छे से जानते होंगे, पैसा कमा भी रहे होंगे, और उनके लिए एडवाइस ये है, जो लोग काम कर रहे हैं, आप साथ में एंगुलर या फिर रिएक्ट, बैकबोन, व्यू जेएस, एक आधा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क पकड़ो, साथ में पीएचपी को जोड़ो, आपका पैकेज सीधा अप हो जाएगा।
जो लोग बिगनर हैं अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए हर किसी का अपने एक कैलिबर पोटेंशियल है, इन्वायरमेंट बहुत डिपेंड करता है, मैं किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, कैसे लोग मेरे साथ हैं। आपको लगता है फ्रीलांसिंग में, आपको पता है पीएचपी में कितना काम आता है, इतना ज़्यादा काम आता है वर्डप्रेस पे, आप मानोगे नहीं। तो आप देखो अपने आप को, मुझे फ्रीलांसिंग में जाना है, पीएचपी में बेटर कर सकता हूँ, या फिर आपके पास अदर चीज़ें भी हैं, पाइथन है आपके पास, स्विफ्ट है, जावा है, और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है आपके पास, फ्लटर है, तो उन पर अगर आपको जाना तो आप जा सकते हो, ऑप्शंस वो भी अवेलेबल हैं, बट वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर लैंग्वेज में आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसके हिसाब से आगे आप जाओ। मैं ये नहीं कहता आपको सी लैंग्वेज करनी है अभी, वो फिर फालतू बात है, क्योंकि सी लैंग्वेज का भी कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, कहाँ यूज़ होगी, बहुत कम, पर जिसका यूज़ है उसी हिसाब से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि जितनी हमने अभी बातें की वन टू वन आपको काफ़ी क्लियर होंगी। आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर यूज़र तक ये जा सके और मुझे सबका ना थॉट प्रोसेस पता चले, ताकि मैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं उन कमेंट्स में एक वीडियो बनाऊँ और हम बात करें ऐसे ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। टिल देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।